नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA का जो पैसा आने की जो तारीख है वो कन्फर्म हो चुकी है और केंद्रीय कर्मचारी को मिलेगा एरियर का भी फ़ायदा। तो आज हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो इंतज़ार है दोस्तों वो खत्म हो चुका है। आखिरकार उन्हें महंगाई भत्ता यानी DA की पेमेंट हो जाएगी और 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा कर्मचारी पेंशनरों को डबल तोहफा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई। तो आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ डिटेल से समझाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड, कर्मचारी से संबंधित, पेंशनरों से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। केंद्रीय कर्मचारियों का जो इंतज़ार है दोस्तों काफ़ी लंबे समय से चल रहा था तो वो ख़त्म हो चुका है। आखिरकार उन्हें जो महंगाई भत्ता है DA की पेमेंट हो जाएगी और 1.5 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को डबल तोहफा मिलेगा। पिछले साल फ्रिज किया गया DA जुलाई में बेहाल हो रहा है, लेकिन इसका पेमेंट जुलाई की सैलरी में नहीं आएगा बल्कि सितंबर के महीने की सैलरी DA ने अलाउंस दिया जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM ने इसे लेकर एक लेटर भी जारी किया है जिससे बिजनेस के पास इस लेटर की कॉपी है। JCM के जो सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से जारी लेटर के मुताबिक 26 जून 2021 को कैबिनेट सचिव की जो बैठक हुई थी उसके अंदर जो मीटिंग के अंदर काफ़ी सकारात्मक जो विचार निकल कर सामने आए थे। इस मीटिंग में जो केंद्रीय कर्मचारी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ की न्यूज के तहत कई कड़े फैसले भी लिए गए थे। उनको 18 महीने के जो निलंबित है वो चल रहे महंगाई भत्ते को लेकर भी हुआ था। सरकार की जुलाई में DA को बेहाल करने का फैसला किया है और इसमें बोला है कि तीनों किस्तों का भुगतान जुलाई के अंदर नहीं होगा। शिव गोपाल मिश्रा ने ये बात बताई कि कैबिनेट सचिव DA और DR पर लगी रोट बनाने के लिए राजी हुई है। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 2020 जून 2020 जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता एक साथ मिल जाएगा। सितंबर महीने की सैलरी के साथ तीनों किस्तें आएंगी। इसके अलावा जुलाई 2021 में जारी होने वाले जून 2021 के महंगाई भत्ते के आंकड़े को भी जोड़ा जाएगा। कुल मिला के तीन जो पुरानी किस्तें हैं और ये जून 2021 की किस्तों का भुगतान होगा। खास बात तो यह है कि सरकार सितंबर की सैलरी के साथ जुलाई 2021 और अगस्त 2021 का एरियर भी देगी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी को फिलहाल 17% DA मिल रहा है, लेकिन पिछली तीन किस्तों को जोड़कर अभी 28% हो जाएगा। जनवरी 2020 में DA 4% बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3% बढ़ा है, जनवरी 2021 में 4% बढ़ा। अब तीनों किस्तों का भुगतान होना है, लेकिन अब बीच में जो जून 2021 के महंगाई भत्ते का जो डाटा आना है ये डाटा जुलाई में जारी होगा और सूत्रा का मानना है कि 7 पे कमीशन के तहत जून 2021 में जो महंगाई भत्ता है 3% का इजाफा होने जा रहा है। ऐसे में कुल DA बढ़कर 31% पहुंच जाएगा। 31% भुगतान सैलरी का जो भुगतान होगा सितंबर के अंदर होगा। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट थी आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये बनाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये बनाई वीडियो पसंद आई इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।